हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग शूट हो रहा है मेरे न्यू घर पर, और यहाँ पर थी कुरान खानी। तो एक्चुअल में हम लोग अभी न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं रिसेंटली, तो अभी शिफ्ट होकर हमें बस 1 वीक ही हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आज कुरान खानी रखी थी घर पर, और यहाँ पर शिरकुरमा बनकर रेडी हो चुका है, क्योंकि जो लोग आने वाले थे पढ़ने के लिए उनके लिए यहाँ पर मैंने कुछ खाना बनाया था, शिरकुरमा बनाया था। और यहाँ पे बन रहा था चिकन कोरमा जो कि मैंने बनाया है, और इसके बाद मैंने बनाए थे राइस, और मैंने बाहर से कुछ नान वगैरह वो सब मंगा लिए थे। तो बस यहाँ पे चिकन कोरमा जो है ये बन रहा है। तो ये मॉर्निंग में मैंने व्लॉग जो है ये शूट किया है, और बस फिर इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना जो न्यू अपार्टमेंट है उसकी मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, 1 वीक ही हुआ है, तो हमने कुछ यहाँ पे ज़्यादा सेटअप नहीं किया है। फर्नीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके न्यू फर्नीचर लेने वाले हैं, इसलिए जो भी पुराना फर्नीचर था वो सारा हमने दे दिया है। बस एक सोफ़ा मैंने यहाँ पर रखा है कि कोई अगर आए तो बैठ सके यहाँ पर। बस कुछ दिनों में हम न्यू फर्नीचर जो है वो ले लेंगे, और बस अभी फ़िलहाल में जो जितना मैं कर सकती थी सेटअप उतना मैंने कर दिया है। तो बस इसकी ही मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लिप शेयर की है। और ये है लिविंग एरिया, और बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको सिंपल सा रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे लिविंग एरिया में बाहर यहाँ पे बालकनी है, और ये बालकनी का व्यू मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रीनरीज़ हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि मुझे ग्रीनरीज़, नेचर ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से ही हमने यहाँ पर फ्लैट लिया है। और ये सारे बाहर जो है ये ग्रीनरी प्लांट्स वगैरह है, ट्रीज़ है। तो बस बालकनी पे भी मैंने अभी कुछ ज़्यादा किया नहीं है, इसमें भी ज़्यादा बहुत कुछ मुझे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगानी है। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप ऐड की है अपने बेडरूम की। तो बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्पेशियस है, यहाँ पर मेरे 3-4 वार्डरोब आराम से बैठ चुके हैं, तो मैंने उसकी क्लिप नहीं ऐड की यहाँ पर। बस मैंने जो बेड वाला सेशन है उसकी यहाँ पर क्लिप ऐड की है। और ये ड्रेस है जो मैं पहनने वाली थी कुरान खाने के दिन, तो ये पाकिस्तानी लॉन ड्रेस है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे के दिन। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा इसका मटेरियल है। और एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने अपना जो बकूर है वो जला लिया था, क्योंकि जोहर का टाइम हो चुका था, लोग आने वाले थे पढ़ने के लिए, तो अपनी फैमिली को बुलाया था मैंने पढ़ने के लिए, प्लस कुछ लोग थे और नेबर्स थे और कुछ पहचान के लोग थे जिन्हें बुलाया था। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और ये मेरी सिस्टर मुझे क्यूट सा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे गिफ्ट दे रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसको मैं ओपन करके आप लोगों को बताऊँगी कि इसके अंदर क्या था। और फिर बस यहाँ पे कुरान पढ़ने लगे थे, कुछ लोग वहाँ पर बीच पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी पढ़ाई हो गई, हमने सब ने खाना खाया। इसके बाद जीजू और मेरे हस्बैंड यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को। इसके बाद मैंने जो शिरकुरमा बनाया था वो मैंने यहाँ पे सर्व किया सबको, और मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो यहाँ पे केक लेकर आई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी क्लिप ऐड कर दी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे ही कुरान खानी हो गई, सबका खाना हो गया, वो लोग अपने घर चले गए। उसके बाद मेरे इन-लॉज़ आ गए थे, और इन-लॉज़ भी शाम में आने के बाद वो लोग रात में गए, और फिर उसके बाद मैंने शुक्राना नमाज जो है वो अदा की, क्योंकि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला हमें इनाम दे ही देते हैं, तो आप लोग भी अल्लाहुम्मा बारिक ज़रूर कहिएगा, और हमें दूसरों की खुशी में शामिल होना चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, तो अल्लाह ताला और ज़्यादा हमसे खुश होते हैं, और हर सिचुएशन में हमें अल्लाह से थैंकफुल रहना चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।